हेलो एवरीवन, राहुल राज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हर बार की तरह इस बार भी बच्चों, जैसा आपसे प्रॉमिस किया वैसे उसी के अकॉर्डिंग में हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हर एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट, हर एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर डेली में आपको डिलीवर करूँगा। बस आप बने रहिए मेरे प्लेटफॉर्म पर, मेरे चैनल पर। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्यथा कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो जो भी आपसे प्रॉमिस किया उसके अकॉर्डिंग हर बार की तरह इस बार भी हम क्लास को कैरी ऑन करने से पहले पॉजिटिव थॉट के साथ क्लास को कैरी ऑन करेंगे। तो हियर यू कैन सी बच्चों कि मैच की तरह जिंदगी के खेल में भी हारता वो नहीं है जो गिर जाता है, लेकिन बच्चों हारता वो है जो उठने से इनकार कर देता है। जब मैच चलता है बच्चों, कोई हार जाते दोबारा मैच नहीं खेलते, लेकिन हारने के बाद भी अगर आप मैच खेलेंगे तो वो एक इंटरेस्ट, वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज, वो डेडिकेशन वाला होगा। तो बस कहने का मेरा पर्पस बस इतना सा है मेरे बच्चों कि आपको करना क्या है, जब भी आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे, सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, अनक्वालिफाइड हो रहे, फेल हो रहे, तो आपको गिरना नहीं है, हॉपलेस नहीं होना है, आपको डबल एनर्जी के साथ में वापस उसके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देना है, पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना है। और ऐसे कोई इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैं आपके लिए लेकर आ ही रहा हूँ, तो मैं तो तैयारी आपको करवाने के लिए रेडी हूँ, बस आपको डटे रहना है मेरे साथ में। ओके फाइन, तो हम क्लास को कैरी ऑन करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों यहाँ पे कि हाउ मेनी डिसीज, देखिए यहाँ पे बोला है हाउ मेनी डिसीज आर कवर्ड अंडर नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पर पूछा नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है, नेशनल लेवल पर लॉन्च किया है। यहाँ पर बोला बच्चों वेक्टर बोर्न मतलब वेक्टर बोर्न डिसीजर्स हैं, ऐसे वेक्टर्स हैं कि जो डिसीज को कॉज करते हैं, वो कौन से वेक्टर्स होंगे और वो कौन से डिसीज को कॉज कर रहे हैं और कितने डिसीजर्स हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही कह रहा है, ये उसके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया, वो प्रोग्राम का नाम क्या है बच्चों, नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। अब इसका काम क्या है, जितनी भी वो वेक्टर बोर्न डिसीजेस हो रही हैं उसको कंट्रोल करने का काम बच्चों इसका होगा, उसको ट्रीटमेंट करने का काम इसका होगा। अब ये प्रोग्राम पहली चीज, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मेरे बच्चों। अभी जो क्वेश्चन है पूछा जाता है कि नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, तो मेरे बच्चों आपका जो आंसर होगा ना वो होना चाहिए 2003। तो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च्ड इन द ईयर 2003। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन। अब यहां पे पूछा है इस प्रोग्राम को जब लॉन्च किया तो यहां पर कितने डिजीज कवर करता है ये प्रोग्राम, वो मेरा क्वेश्चन है। सो हियर यू कैन सी क्या बच्चों 6 डिजीज को कवर करता है, या बच्चों 10 डिसीज को कवर करता है, या फिर 14 डिसीज को कवर करता है बच्चों, या फिर 20 डिसीज को कवर करता है, बताइए व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर। नाउ यू हैव मेरे बच्चों 4 ऑप्शंस ए बी सी एंड डी, तो 6 10 14 एंड 20 बताइए। यहां पे मैंने बोला नेशनल वेक्टर बोर्न, सॉरी नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम कितने डिसीज को कवर करता है, बताइए क्या बच्चों 6 डिसीज को कवर करता है, या फिर मेरे बच्चों 10 डिसीज को कवर करता है, या फिर बच्चों 14 डिसीज को कवर करता है, या फिर मेरे बच्चों 20 डिसीज को कवर करता है, विच वन इज द करेक्ट ए बी सी एंड डी, डोंट वेस्ट द टाइम। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए ये जो प्रोग्राम है, देखिए जो आपका आंसर है ना वो ए इज द राइट आंसर, डू यू अंडरस्टैंड, ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे बोला है आप इसको देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, सिंपल सा लॉजिक है, आपको याद रखना है कि नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम उस जो प्रोग्राम का नाम है टोटल उसको काउंट करना, कितने वर्ड से मिलकर बना है, ओके उसी के अकॉर्डिंग वो वर्ड को आपको काउंट करना है और बोल देना 6। तो यहाँ पे बच्चों बता दू 1 2 3 4 5 एंड 6, डू यू अंडरस्टैंड। अब दूसरा ट्रिक मैं आपको याद करने का इसको बता दू, मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नॉन वेज प्रीफर करते हैं, तो नॉन वेज ऐसी ऐसी जगह से नहीं खाते हैं मेरे बच्चे, मुझे पता है, एक फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है तो क्वालिटी मेंटेन करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं ये केएफसी रेस्टोरेंट जाते हैं। केएफसी क्या एक इंटरनेशनल ब्रांड है, इंटरनेशनल रेस्टोरेंट है,
केएफसी सुना होगा, वेरी गुड। तो यहां पर एक केएफसी रेस्टोरेंट आपको याद रखना है, जब भी यदि नेशनल वेक्टरबोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम की बात आए बच्चों, तो आपको क्या करना है, केएफसी। तो आपको यहां पे केएफसी याद रखना है, के एफ सी, क्योंकि आप केएफसी में क्या करते हैं, नॉन वेज खाने जाते हैं ना बच्चा। ये तो किचन फ्राइड चिकन होगा, मैं बताऊंगा वेट, जस्ट वेट एंड वॉच। अब जो भी बच्चे जाते हैं, मैं उनको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, एडवाइस नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पे दोबारा मत जाना, केएफसी दोबारा मत जाना। डू यू अंडरस्टैंड? जाना बच्चे, लेकिन जस्ट ट्रिक याद करने के लिए मैंने आपसे कहा है यहां पे कि केएफसी दोबारा मत जाना। वही जो डिसीजर्स है, जो ये सिक्स डिसीजर्स है बच्चों, वही सिक्स डिसीजर्स क्या होगा, ये इसका आंसर है सिक्स डिसीजर्स, कि नेशनल वेक्टरबोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इन सिक्स डिजीज को कवर करता है, जिसका मेन जो ट्रिक मैंने आपको बताया मेरे बच्चों, ये जो ट्रिक है ना वो क्या है यहाँ पे, कि केएफसी दोबारा मत जाना। के डिनोट करेगा बच्चों, के मतलब होगा आपका काला अजार, ओके, लेकिन एफ का मतलब होगा बच्चों फ्लेरियासिस, फ्लेरियासिस। सी का मतलब होगा चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, ओके। डी का मतलब होगा बच्चों डेंगू, और एम का मतलब होगा मलेरिया, और जापा जे का मतलब होगा जापानीज इंसेफलाइटिस। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? सो हियर यू कैन सी ओनली देयर आर सिक्स डिजीज एंड व्हिच वाज द कवर्ड बाय द नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, and a program which is launched by the Nodal Agency and the Government of India in the year 2003. And this program covers only six diseases, that is KFC Dwara Mat Jana, Kala Ajar, KD note kar raha hai bachho, Kala Ajar, A4 Filariasis, C4 Chikungunya, D4 Dengue, and M4 Malaria, and J4 Japanese Encephalitis. It is in a very 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 important, कोई सा भी आप बच्चे आप एग्जाम देंगे, डेफिनेटली मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं एक क्वेश्चन इस पर डेफिनेटली बनता है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? सो बच्चों पहली चीज यहां तक आपको क्लियर है, दूसरा यहीं पर ऐसा क्वेश्चन बनता है मेरे बच्चों कि यहां पर पूछा जाता है कि ये तो मैंने आपको बताया कि नेशनल वेक्टरबोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम बच्चों वो सिक्स डिजीज को कवर करता है, सिक्स डिजीज का मैंने बताया आपको केएफसी दोबारा मत जाना, ओके, जाना लेकिन आपको ट्रिक याद रखना है, काला अजार, फ्लेरियासिस, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया एंड जापानीज इंसेफलाइटिस। कभी कभी पूछा जाता है यहाँ पे कि ऑल आर द वेक्टरबोर्न Disease. इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, आपका ऑप्शन होगा बच्चों ए, ए में होगा आपका काला आजार, दूसरा बच्चों आपका होगा यहाँ पे फिलेरियासिस, तीसरा होगा बच्चों आपका सी ऑप्शन डेंगू, एंड डी आंसर बच्चों आपका क्या होगा यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस। आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस लेके आ रहा हूं, पर लेकिन ये छोटे छोटे वीडियोस आपके नॉलेज को इम्प्रूव तो करेगा, और डेफिनेटली कोई भी आप एग्जाम देंगे ये मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको बताया था जूम पर ऑलरेडी क्लास चल रही है, जूम ऐप पर, ओके, जूम ऐप पर डेली क्लासेस कंटिन्यू है। आपको यदि अपना रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप क्या कर सकते हैं, 9827450215 पर
आपका नाम, आपका कॉलेज का नाम, आपका क्लास, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, इस नंबर पर भेजना रजिस्ट्रेशन के लिए। साथ में आप कोई से भी ईयर के हों, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इवन एमएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, पोस्ट बेसिक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सभी के लिए जूम ऐप पर डेली क्लासेस कंटिन्यू है। उस पर आपको एक टॉपिक आपका पर डे कंप्लीट किया जा रहा है, ओके, एक दिन में। और आपके मध्य प्रदेश प्रोफेस एमपीएमएससी की जो आपकी यूनिवर्सिटी है, इसके जितने भी एग्जाम पेपर हैं उनको सॉल्व कराया जाता है। और आप कोई से भी ईयर में या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो क्लास होगी बच्चों को आपको बहुत हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।